हेलो गाइस, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग से आपका स्वागत है। तो ये है 19 जून का मेरा ट्रेडिंग, ये आज का 20 जून का ट्रेडिंग नहीं है। 19 जून को मैंने ट्रेड लिया था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ, तो मैंने जो ट्रेडिंग था वो ट्रेडिंग रिकॉर्ड कर रखा था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कुछ पर्सनल रीज़न के कारण कि मैं वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो अभी देखिए मैं उसको अपलोड कर दे रहा हूँ, प्लस जो मेरा आज का मेरा जो भी ट्रेड रहा उसको मैं इसी के लास्ट में आपको पूरा दिखाऊंगा कि मेरा आज का दिन कैसा रहा, क्या मैंने ट्रेड लिया है। तो 19 जून को मैंने जो है 5900 का यहाँ पे कॉल बाई किया है, 219 रुपए के प्राइस पे मैंने जो है बाई किया है। यहाँ पे जो मेरा प्राइस है 219 रुपए के प्राइस पर मैंने दो लॉट में यहाँ पर ट्रेड लिया। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैंने स्टार्टिंग में जो है दो लॉट में ट्रेड लिया था, लेकिन जो है मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, और ये था आज एक्सपायरी का दिन। एक्सपायरी के दिन जानते हैं जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है बहुत तेज़ी से अप डाउन करता है। तो हुआ क्या कि मैंने जो पहला लॉट था केवल 20 पॉइंट के प्रॉफिट में ही निकाल दिया, फिर ये जो सेकंड लॉट था उसको मैंने होल्ड किया और उसमें जो है अचानक से बहुत ही फास्ट प्रीमियम जो है बढ़ोतरी हुई। तो देखिए मेरा प्रॉफिट जो है यहाँ पे 2200-2400 तक के आसपास बढ़ गया, मतलब कि ट्रेड लिए हुए हमको कुछ ही मिनट हुए थे, उसके बाद से ये जो है प्रॉफिट होने लगा। अभी मैं आपको पूरा ट्रेड का दिखाऊंगा, चार्ट कितना लिया था, और देखिए मेरा प्रॉफिट कितना तेज़ी से बढ़ के जो है 3700-3800-3900 यहाँ पे हो गया है। तो बहुत ही 4100 तक हमारा जो है प्रॉफिट चला गया था, तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आया यहाँ पे जो है। मैंने एक ही लॉट को मैंने होल्ड किया और एक ही लॉट में मुझको लगभग 200 से 300 पॉइंट तक मुझको लगभग मिलने लगा था। तो लेकिन क्या हुआ उसके बाद जो है मार्केट तेज़ी से जो है नीचे की तरफ आया, तो जो मेरा प्रॉफिट 4100 तक पहुँच गया था उसको फिर मैंने जो है नीचे थोड़े से कम प्रॉफिट में जो है यहाँ पे बुक किया। मैंने यहाँ पे देखिए अभी भी मैंने काफ़ी होल्ड किया, लेकिन धीरे धीरे जो है प्रीमियम कम होने लगा था, तो जिसके कारण जो है मैंने उसको जो है 2700 रुपये तक के प्रॉफिट पे मैंने जो है बुक किया। उसको मैं आपको अभी अपने चार्ट पे अपने ट्रेडिंग का पूरा जो मैंने ट्रेड लिया था वो पूरा मैं आपको टाइमिंग दिखाऊंगा, कितने रुपये के प्राइस पर मैंने जो है ट्रेड लिया था और किस प्राइस पर मैंने जो है एग्ज़िट किया था। और लगभग 10 बजे तक मेरा प्रॉफिट जो है 3000 के आसपास चल रहा था, और इसको मैंने लगभग होल्ड किया था। देखिए मैंने बाई किया था 200 रुपये के प्राइस के आसपास, और ऑप्शन का प्राइस चल रहा है 410-420 के आसपास जो है ऑप्शन की प्राइस चल रही है। तो बहुत ही शानदार मोमेंटम आया था, मतलब स्टार्टिंग में मुझे नहीं लग रहा था कि मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है, लेकिन फिर अचानक से मार्केट जो है ऊपर की साइड निकला। जो कि स्टार्ट अगर मार्केट का अगर देखोगे तो जब मार्केट स्टार्ट हुआ था ना, तो पहले ही एक दो कैंडल में लगभग मार्केट 400-500 पॉइंट का मार्केट ने मूव कर दिया था। तो मुझे लगा कि अभी कुछ पॉइंट मार्केट जो है रिकवरी करेगा, उसके बाद जो है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन मार्केट क्या हुआ ऊपर की साइड ट्रेड लेने के बाद भी और ऊपर की साइड। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है प्रॉफिट बुक कर लिया था, अब डे एंड होने के बाद ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया था। 9:36 पे मैंने ट्रेड लिया था, पहला देखिए कुछ 20 पॉइंट का मैंने प्रॉफिट पे निकाल दिया था 9:50 पे, और मैंने प्रॉफिट बुक किया था 10:06 के आसपास। 219 रुपये के प्राइस पे मैंने बाई किया था, और सेकेंड लॉट मैंने जो है 384 रुपये के प्राइस पे मैंने जो है बुक किया। प्रॉफिट बुक करते करते मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया था, और हम एक टाइम जो मेरा प्रॉफिट 4100 तक पहुंच गया था उसको मैंने जो है 2800 रुपये तक के प्रॉफिट पे मैंने जो है बुक कर लिया। तो ये तो था मेरा जो है पूरा ट्रेडिंग कल के लिए, मतलब 19 जून का ये पूरा ट्रेडिंग था। अभी मैं जो है आपको आज का ट्रेडिंग का पूरा दिखाने वाला हूँ, मैंने क्या ट्रेड लिया था क्या नहीं लिया था।